हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। आप देखेंगे यहाँ पे आ चुकी है इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट। ये है स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट 17 फरवरी 2020 की अनाउंसमेंट है। चलिए देखते हैं पूरी अनाउंसमेंट। सो यहाँ पे ये है अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट्स। और ये जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, प्लस साथ में इसके लिए जो रिलेवेंट फॉर्म है, कौन से फॉर्म आपको फिल करने हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखा है। अगर आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। इनकेस टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाकर के सिंपली आपको विजडम सीए विदाउट एनी स्पेस आपको सर्च करना है और हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों फिलहाल में चलिए देखते हैं अनाउंसमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले है सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे लिखा है मेरिट कम नीड। मेरिट कम नीड में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी जो रैंक है 11th से लेकर के 50th तक के बीच में है। रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। जो ICAI मेरिट लिस्ट निकालता है उसमें अगर आपकी जो मेरिट है 11th से लेकर के और 50th के बीच में है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। सो रैंक होल्डर अदर दैन कवर्ड अंडर मेरिट कैटेगरी। मेरिट कैटेगरी में बेसिकली फर्स्ट रैंक से लेकर के 10th रैंक तक के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो कवर्ड होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट स्कॉलरशिप और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी जो रैंक है 1 से लेकर के 10 तक के बीच होती है उनको ICAI ग्रांट करता है 2000 रुपीज़ एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। बाकी अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कैटेगरी नंबर 1 मीन सीरियल नंबर 1 में अगर आप फॉल करते हैं, आपकी जो रैंक है 11 से लेकर के और 50th तक के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अदर दैन कवर्ड अंडर मेरिट कैटेगरी, ये केवल इंटरमीडिएट IPC मीन्स ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस नवंबर 2019 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आपके पेरेंट्स और गार्जियंस की इनकम 2.5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कैटेगरी आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। देन यहाँ पे सेकंड है सीरियल नंबर 2, नीड बेस्ड और वीकर सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे 1250 रुपये का अमाउंट है। यहाँ पे सबसे पहले है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इंटरमीडिएट में हैं मीन्स CA IPCC ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस और आपके पेरेंट्स और गार्जियन की जो इनकम है 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा नहीं है, मैं केवल पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स और गार्जियन की इनकम 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने बोथ ग्रुप पास कर रखा है CA इंटर का, ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, बोथ ग्रुप अगर आपने पास कर रखा है और अगर आप CA फाइनल में हैं, आपके पेरेंट्स की इनकम, पेरेंट्स और गार्जियन की जो इनकम है 2 लाख रुपये उससे ज़्यादा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चिल्ड्रेन हैं डिसीज्ड मेंबर ऑफ ICAI तो यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कोई नंबर नहीं है और जो अमाउंट है ये है 1250। सो इसके अलावा भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम जान लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है एप्लीकेंट शैल बी रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट और IPC और इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स। तो या तो ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में हो, केवल इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ही है। इन केस ऑफ IPC स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप शैल बी पेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अगर आप इंटर में है CA इंटर में तो 18 महीने के लिए मैक्सिमम पीरियड है, ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इन केस ऑफ फाइनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप शैल बी पेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, 30 महीने और बैलेंस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। तो जो भी आपका पीरियड आर्टिकलशिप का बैलेंस बच रहा है, जो भी उसमें से लेस है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी जो आर्टिकलशिप की पीरियड है 10 मंथ्स की बच रही है तो यहाँ पे आपको 10 मंथ्स के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके और जो भी आपकी स्कॉलरशिप है आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन कोई ऐसे अगर स्टूडेंट हैं जो कि SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनको केवल अपना सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट प्रूफ कुछ अटेस्ट करना पड़ेगा जो कि गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू या मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से साइन कराना पड़ेगा और वो सबमिट करने पर एक एडिशनल अमाउंट 100 रुपीज़ का पर मंथ उनको प्रोवाइड की जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो स्कॉलरशिप है नीड बेस्ड एंड वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे उनके लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्म्स को फिल करना है, कहाँ पे आपको भेजना है। तो यहाँ पे ये एड्रेस गिवन है ICAI भवन A29 सेक्टर 62 नोएडा। आपको जो स्कॉलरशिप भेजना है, फॉर्म सब कुछ जो भी प्रोसीजर्स है उसको अप्लाई करके भेजना है 31 मार्च 2020। पहुँच जाना चाहिए इंस्टीट्यूट के पास में, जो ये एड्रेस है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है पहुंचता है तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो 31 मार्च 2020 ये लास्ट डेट है। मेक श्योर कि इससे पहले आप फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को फिल करके और उसके बाद आप इसको भेज दें। जो टेलीफोन नंबर्स हैं इंस्टीट्यूट ने कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इनकेस कोई डाउट है आपको तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे एक email ID भी गिवन है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसको दिखाता हूँ। सो ये email ID और यहाँ पे आप देखेंगे ये है कॉन्टैक्ट नंबर। इनकेस कोई डाउट है स्कॉलरशिप फॉर्म में तो आप इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे ईमेल आईडी गिवन है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म है किस तरीके से आपको फिल करना है, कौन सा स्कॉलरशिप फॉर्म है, डाउनलोड आपको कहाँ से करना है। तो यहाँ पे जो डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर करा है डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज विजडम सीए विदाउट एनी स्पेस आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पे और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फॉर्म्स गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चलना है फॉर्म नंबर 3 और 4 जो कि आपको फिल करना है, फिल करके आपको भेजना है। तो ये रहा आपका फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 आपको भरना है जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, ये फॉर्म आपको फिल करना है। नाउ यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है जिस एड्रेस पे आपको भेजना है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपका फोटो भी आपको यहाँ पे अफिक्स करना है, साथ में आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स गिवन है सब कुछ आपको फिल करना है, करेक्ट डिटेल्स आपकी फिल करनी है। यहाँ पे फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे इनकेस अगर आप पार्टिकलशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आपकी फिल करनी है। देन साथ में जो मेंबर हैं, मीन्स जो आपके प्रिंसिपल हैं, उनका सिग्नेचर, उनका मेंबरशिप नंबर, उनका नाम, नेम ऑफ फॉर्म, एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको भरनी है। इनकेस अगर आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स आपको भरनी है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है तो यहाँ पे किसी आईसीआई के मेंबर का सिग्नेचर आप करा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी अगर कोई गजट ऑफिसर है उनका सिग्नेचर और यहाँ पे सील, यहाँ पे डेट, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है फॉर्म नंबर 4 जो कि यहाँ पे 3 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, पार्ट नंबर 1, देन यहाँ पे आप देखेंगे ये है पार्ट नंबर 2 और उसके बाद यहाँ पे ये है पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट ही आपको भरना है जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1 है, ये आर्टिकलशिप के लिए, इनकेस अगर कोई स्टूडेंट है जो कि आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको ये पार्ट भरना है। देन यहाँ पे ये पार्ट नंबर 2, अगर आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पार्ट भरना है। देन यहाँ पे ये पार्ट नंबर 3, इनकेस अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डिसीज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई के चिल्ड्रन, सन और डॉटर हैं तो ये फॉर्म इनको भरना है, ये वाला पार्ट इनको भरना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से आपको फॉर्म्स फिल करना है। तो बेसिकली फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 4 आपको फिल करके भेजना है और लास्ट डेट आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा, ये है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 या उससे पहले आपको इसको भर के इंस्टीट्यूट को भेजना पड़ेगा। जो एड्रेस है आई थिंक मैंने आपको बता दिया। फॉर्म आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैं वीडियो यहीं तक की है, वीडियो शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।